दर्शकों नमस्कार। हम फिर अब बहुत दिन आपने देखा कि हमने इधर उधर चैंपियनशिप्स ये वो, ये थोड़े ऐसे महीने होते हैं कि हम बिजी रहते हैं, लेकिन अभी हम ट्रेनिंग पे वापस आ रहे हैं। आपको ट्रेनिंग के बारे में अब बताते जाएंगे। और मुकेश जी अभी जीत के आए हैं, लाइफ का बेस्ट टोटल 830 kg किया है, 830 किलो। और सुरेंद्र ने भी लाइफ का बेस्ट डेडलिफ्ट किया है क्लासिक रॉ में 275 किलो, बहुत बड़ी बात है। बच्चे औरों ने भी मेडल जीते हैं और अभी हम जर्मनी भी जाने वाले हैं। लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपसे हमें एक बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं कि इतना शोर मचता है, प्रोटीन ले दो, कार्बोहाइड्रेट प्री वर्कआउट ले दो, तो हम बात कर रहे हैं यूज़ क्या है पावर लिफ्ट बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या यूज़ है। मुकेश जी पहले बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी सारी उम्र बीत गई ये बताते। प्रोटीन तो आफ्टर वर्कआउट है, हाँ जी, और कार्बोहाइड्रेट्स बिफोर वर्कआउट एनर्जी देने के लिए। कार्बोहाइड्रेट का काम है कि एनर्जी देता जी, और प्रोटीन आपको रिकवरी करता। तो हम क्यों और कितनी मात्रा में प्रोटीन खाएं, क्योंकि लोग बच्चे सारा दिन ही प्रोटीन खाते हैं। वो एक तो सारे बच्चे वो पढ़ के उसमें नेट पे के 2 ग्राम पर पाउंड बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए, वो हर एक के लिए नहीं है। हाँ, बॉडी वेट आपका बॉडी वेट उसमें फैट भी है, उसमें मसल भी है, तो वो अकॉर्डिंग टू आपका जो लीन मसल मास है उसके अकॉर्डिंग होता है। 2 ग्राम भी हम काउंट करें तो, हाँ, तो ये नहीं कि किसी का 100 किलो बॉडी वेट है और उसका मसल मास कम है तो वो भी 200 ग्राम प्रोटीन खा लेगा वो। हाँ जी, हाँ। तो अपना एनालाइज करो बॉडी का, मेरी बॉडी में फैट कितना है, मसल मास कितना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। जैसे आपकी ट्रेनिंग है, टफ ट्रेनिंग है, अच्छी ट्रेनिंग करते तो थोड़ा प्रोटीन ज्यादा रखो। हाँ, अभी नॉर्मल है, बिगिनर्स हैं तो 2 टाइम तो ठीक है। हाँ, 2 टाइम ले सकते हैं बस। लोग 3-3 मैंने देखता सारा दिन शेकर ही पकड़े रहते हैं, कोई यूज नहीं। क्या कर रहे हो खाना, वहाँ बताते हैं मैं प्रोटीन पी रहा हूँ जी, मैं प्रोटीन पी लूँगा, वो डाइट को मिस कर देते हैं, वो डाइट को मिस, ऐसे तो ठीक नहीं, वो गलत है जी। क्योंकि डाइट के अंदर आपको जो बाकी चीजें मिलती है, सारे विटामिन मिलते हैं, आयरन है, कैल्शियम है और बड़ी चीजें हैं, वो बच्चों को मिस। और कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़ देना फैट लॉस में, ये भी गलत है, वो भी गलत है। आपका साथ साथ मसल मास भी लॉस हो जाएगा, मतलब मसल मास लॉस हो जाएगा और आपका एनर्जी लेवल भी डाउन। बिल्कुल, ट्रेनिंग थोड़ा बहुत तो कार्ब्स खाना चाहिए आलू चावल के थ्रू। ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद में 2 मिनट में कार्ब्स रखो, आप कटिंग करते हो तब भी जरूर, तब भी रखें। हाँ जी, और अगर फैट भी लूज कर रहे हैं तो तब भी रखें। पर ज्यादा मात्रा में, और खा के सोए ना बस। हाँ, सोने से 2-3 घंटे पहले कार्ब्स बंद कर दें। और कार्ब्स की आलू, स्वीट पोटैटो, चावल, ये सब चीजें, दलिया है, ये सब चीजें ले लें, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं, भूख से कम रखें उसको, भूख से कम रखें, सब्जियां ज्यादा खाएं, मतलब 70-60% है। हाँ, और सब्जियां जैसे पूरा सब्जी का सलाद काट लिया उसमें एक आलू भी डाल दिया, ठीक है ना, ऐसे। और प्रोटीन अगर इनको, बहुत सारे बच्चों की शिकायत है कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, मुझे चिकन खा के बच्चे कह रहे हैं जी बोर हो गए, फिश खा गए, तो के और जैसे पनीर खा सकते हैं, सोया, वैसे आपको सोया है, कच्ची मूंगफली भी हाई प्रोटीन है, हाई प्रोटीन है, पनीर की दाल है जी, मूंग की दाल, सोया भी है, उबाल के खा ले सोया, बिल्कुल उबाल के खा ले, हाँ सोया की दाल खा ले उबाल के, ऐसी बात नहीं है, पनीर भी खा सकते हैं, थोड़ा बहुत दूध भी पीना, दूध पी सकते हैं जी, बिल्कुल, रात में तो सबके लिए अच्छा होता है। हाँ, तो मैं ये बताने वाला हूँ कि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स था, और उसका यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और टाइमिंग भी हमने बता दिया, दिन में 2 बार वो, और कार्ब्स भी आप रात को शाम को 4 बजे के बाद आलू चावल ना खाएं अगर आप फैट लूज कर रहे हैं जी, यही बात है। और एनर्जी अगर आप शाम को ट्रेनिंग करते हैं तो आलू चावल पहले लेके फिर उसको ट्रेनिंग कर सकते हैं, ऐसे हम करते भी थे, ऐसे ही करते हैं, शुरू में ऐसे किया, चावल आलू। तो दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हम ट्रेनिंग पे आ रहे हैं, पावर लिफ्टिंग इज द बेस ऑफ बॉडी बिल्डिंग, अब हम पहले स्क्वाट्स के बारे में, फिर बेंच के बारे में, डेड के बारे में प्रैक्टिकली लाने वाले हैं, आप उसके लिए तैयार हो जाना, बहुत जल्दी से ये सीरीज लाने वाले हैं। और पावर लिफ्टिंग जो है हम इसलिए करा रहे हैं कि वो बेस है बॉडी बिल्डिंग का। देखो मुकेश जी पहले 90 किलो में लड़ते थे, एग्जाम्पल देता हूँ, अभी इनका वजन 114-115 किलो हो गया, तो बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं लेटेस्ट फोटोग्राफ भी डालूंगा, हमने थोड़ी ट्रायल के लिए कराई थी, वो फोटोग्राफ भी डालूंगा कि कितना फर्क आ गया है साइज में। तो बॉडी बिल्डिंग इज द बेस, पावर लिफ्टिंग इज द बेस ऑफ बॉडी बिल्डिंग, आप इसको ट्रेनिंग को यूज करेंगे ना, आपके साइज भी बड़ा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कितने साइज है उसमें आप पावर लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन भी लड़ सकते हैं, आजकल तो पावर लिफ्टिंग के ऑप्शन बड़े हैं,
इनाम बड़े आते हैं, अभी पीपीएल आने वाला है उसमें $1,000 इनाम है, तो इसलिए एंड फिट रहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान को आगे बढ़ाएं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ फिट इंडिया को और भारत को सबसे नंबर वन पर लाए, हॉस्पिटल कम कीजिए, फिट रहिए और तंदुरुस्त रहिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।